मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सोशल साइंस सब्जेक्ट लाइव क्लास फॉर स्पेंडर डे। ओके सर। सो एज ऑल ऑफ यू नोस दैट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इन अवर सब्जेक्ट हिस्ट्री। ओके चैप्टर फोर। चैप्टर नंबर फोर। ओके गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? ट्राइबल ट्राइबल इक्यूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ओके सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड फॉर लास्ट थ्री और फोर लाइव क्लासेस। ओके so we have seen one or two videos also on the life of Adivasi, and then the second video that we discussed was related to the extraction of indigo through the traditional process. Okay so before commencing or starting from today's topic, I would like to ask, would you people have any doubt, students? No doubt. Okay, so we'll proceed to today's topic. Okay, we'll be proceeding for today's topic. So, is the textbook visible now? Yes, sir. Visible. Good. So, today's topic is what? How did colonial rule affect tribal lives? So what do we discuss in this chapter? इस chapter में हम क्या discuss करेंगे? ठीक है? So we will discuss कि when the tribal people came into when the British came into India, and after some time when British have started controlling on the फॉरेस्ट रिसोर्सेस, है ना? जब ब्रिटिश कहां पर आए? इंडिया में आए, एंड आफ्टर सम टाइम दे हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ब्रिटिशर्स ने कुछ समय के बाद में क्या करना शुरू किया? इंडिया के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस थे, उन फॉरेस्ट रिसोर्सेस को कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है? सो व्हाट बेसिकली विल बी डिस्कस इन दिस सेक्शन, यहां हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल राइट्स, यानी ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद, ठीक है, ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल पीपल की लाइफ पर इसका क्या अफेक्ट हुआ? इज इट क्लियर? ओके सो हाउ डिड कॉलोनियल रूल affect the tribal lives? So the lives of the tribal group changed during British rule. Okay, so lives of tribals changed during the British rule. Britishers के आने के बाद उनकी life में, उनके जीवन में बहुत सारे changes आना शुरू हुए. Okay, so first change which brought was into the life of ट्राइबल चीफ। ठीक है, अब एक एक करके हम अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में ट्राइबल्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला क्या है? व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ? तो यहां हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, आदिवासियों के जो कबीले थे, उन कबीले के जो चीफ्स, चीफ्स मतलब सरदार, है ना? हर कबीले का एक मुखिया होता था कि 10 या 15 20 गांव में देयर वुड बी वन हेड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक, तो अभी इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल चीफ्स थे, है ना, आदिवासियों के जो मुखिया लोग थे, तो मुखिया लोगों के लाइफ पर, उनके रोल पर क्या इफेक्ट हुआ? ठीक ना? सो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश
In many areas, the tribal chiefs were important people. So, before the arrival of the British, ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले, ठीक है, इंडिया के मैक्सिमम हिस्से में जो ट्राइबल चीफ्स थे, आदिवासी जो चीफ थे, आदिवासियों के जो मुखिया थे, दे वेर कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट पीपल. यानी किसी भी किंगडम में, है ना, ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या थे, किंगडम्स थे, राजा महाराजाओं के बड़े बड़े राज्य थे. तो राजा महाराजाओं के हर एक राज्य में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, ठीक है, सो ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजाओं का जो राज्य था उसमें ट्राइबल चीफ्स का बहुत ज्यादा महत्व था. यानी किंगडम चाहे किसी भी राजा का हो, राजा किसकी सहायता से, ट्राइबल चीफ्स की सहायता से ही अपने किंगडम को कंट्रोल करता था. यानी चाहे किंग कोई भी रहे, he has to listen the voice of the tribal chief. उसे tribal chiefs को अपने favor में करके रखना ही पड़ेगा. Okay? Because of that, the tribal chiefs enjoyed a certain amount of economic power and they had the right to administer and control their territories. इसलिए जो tribal chiefs थे उनको इकोनॉमिक पावर, अब इकोनॉमिक पावर मतलब ट्राइबल चीफ्स थे, उन्हें उनके कंट्रोल एरिया के जो विलेजेस थे उन विलेजेस में से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिलता था. ठीक है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे और एक प्रकार से अपने छोटे से इलाके के एक छोटे से राजा जैसे होते थे. ठीक है, मीन्स दे हैव द राइट टू हैव ए स्मॉल आर्मी, एक छोटी मोटी आर्मी रखते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे एंड दे ऑल्सो कंट्रोल ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दैट एरिया. अपने एरिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी उनका पूरा कंट्रोल था. इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस. बहुत सारे इलाकों में जो ट्राइबल चीफ्स थे उनका खुद का पुलिस सिस्टम था, पुलिसिंग थी, यानी लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके कंट्रोल में था. दे डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, उनके इलाके में जो भी जमीन थी, जंगल था, उसके सारे डिसीजन कौन लेते थे, ट्राइबल चीफ्स लेते थे. यानी एक प्रकार से कहना चाहिए कि किंगडम चाहे कोई सा भी हो, जो ट्राइबल चीफ्स थे वो अपने अपने जंगल के इलाके के एक इंडिपेंडेंट किंग की तरह क्या करते थे, रूल करते थे. इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर. यस सर. यस सर. गौरी. यस सर. गौरी लांडगे, देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम योर साइड. Gauri, where are you right now? Gauri, you seems to be present but not responding. It means that right now you are not sitting in front of your mobile. Hai na? Login ho gaya hai, sir padha rahe hain, Gauri nashta kar rahi hai. Sonu Tiwari, is it happening? Sir. ऐसा तो नहीं है ना कि लॉग इन करके नाश्ता चल रहा है तेरा? नहीं नहीं. ठीक. सो अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली. ठीक है, सो अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं इनके फंक्शन, यानी इनके काम करने की जो पावर्स हैं वो चेंज हो गई. यानी पहले हाउ दे डू, ओके, दे हैव द इकोनॉमिक पावर, दे हैव द राइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग देयर अथॉरिटीज, ओके, दे हैड देयर ओन पुलिस, दे हैव द राइट टू डिसाइड अबाउट द लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. इतना पूरा अधिकार उन ट्राइबल चीफ्स के पास था. बट व्हाट हैपेंस
under British rule, the function and powers of the tribal chief changed considerably. ब्रिटिशर्स के आने के बाद में इन ट्राइबल चीफ्स के पावर और फंक्शन क्या हो गए, चेंज हो गए. ओके, नाउ हाउ डिड दीज चेंज? दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वेयर फोर्स्ड to follow laws made by British officials in India. ठीक है, अब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के आने के बाद when the British government framed a law for controlling on the forest, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लॉ बनाए. अब लॉ बनाने के बाद एंटायर फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया. ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ट्राइबल चीफ थे उनके अधिकार भी क्या हो गए, चेंज हो गए. नाउ दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को क्या था, लैंड टाइटल, यानी उनके पास जितनी पर्सनल जमीन जायदाद थी. आदिवासी चीफ जो थे, कबीले के जो मुखिया थे, उनकी जो पर्सनल जमीन जायदाद थी वो उनके पास में बनी रही. सो दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल. ठीक है, दे कैन रेंट आउट लैंड, ये लोग अपनी जमीन क्या कर सकते थे, ये अपनी जमीन किसी भी किसान को किराए पर दे सकते. बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो ट्राइबल चीफ थे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या हो गई, खत्म हो गई. अब वो अपनी मर्जी से उस इलाके में रूल नहीं कर सकते थे, शासन नहीं कर सकते थे. सो द ट्राइबल चीफ्स वेर फोर्स्ड टू फॉलो लॉस मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. ठीक है, अब उनको क्या कहा गया कि दे हैव टू फॉलो द लॉस made by the British officials in India. यानी ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए हैं वो कानून इन्हें फॉलो करना पड़ेगा. ओके, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. अब उन्हें ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा. नाउ दे हैव टू पे ट्रिब्यूट, मतलब जो सो दे हैव टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट मतलब ब्रिटिश अधिकारी जब आएंगे उनको समय समय पर गिफ्ट देंगे. ठीक है, ओके, एंड दे हैव टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. ब्रिटिशर्स लोगों के लिए उन्हें ट्राइबल लोगों को कंट्रोल में करना. They lost the authority they had earlier enjoyed among their peoples and were unable to fulfill their traditional function. परंतु ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हो गया? They lost their authority that earlier enjoyed among the people. पहले लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था, जो ट्राइबल चीफ्स का कंट्रोल था, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हो गया, खत्म. अब सीधा हिसाब है कि फॉरेस्ट एरियाज में कानून किसका चलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का चलेगा. अब चूंकि लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, वो जो ट्राइबल सोसाइटी थी, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उस ट्राइबल सोसाइटी और कम्युनिटी में ब्रिटिशर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया और ट्राइबल चीफ्स का इंपॉर्टेंस कम. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे जो ट्राइबल चीफ्स थे, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस सोसाइटी में रिड्यूस हो गया. अब लोग उनका उतना ज्यादा सम्मान नहीं करते थे जितना पहले होता. ठीक है, क्योंकि सीधा हिसाब है, राज चेंज हो गया. इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर.
Thanks, beta. Now, so that is what, how the life of tribal chief changed. And now the next is what happened to shifting cultivator. Okay, so when we do this, and what happened to shifting cultivator? What we are basically going to discuss, after the arrival of British into India, what type of changes came into life of those tribal community who had the occupation of shifting cultivation. Okay, what does it mean? When the British came into India, they might have done something which affected the shifting cultivation practice. Britishers, jab India mein aaye, and when they made the laws for controlling the forest resources, aur jab unhone forest resources ko control karne ke liye kya banaye, laws banaye, theek hai. So because of those laws, the practice of shifting cultivation had affected. Britishers ke kanun banane ke baad mein जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस थी उस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा असर पड़ा, ठीक है. सो कौन सा असर पड़ा, दैट वी विल सी एंड डिस्कस. ओके, सो द ब्रिटिश वेयर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव फिक्स्ड होम, ठीक है. अब समस्या क्या थी कि ब्रिटिशर्स उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे विच आर वॉन्डरिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ठीक है. बिकॉज द ब्रिटिशर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन विद दिस ग्रुप ऑफ पीपल, ये जो लोग थे इनके साथ में ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल पड़ता था, ठीक है. गॉट इट. So what the Britishers wanted, they wanted tribals. Okay, they wanted tribals. So Britishers kya chahte the, just a minute. So what the Britishers want, they wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivator. Okay. तो ब्रिटिशर्स क्या मानते थे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोस ट्राइबल पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो वो ट्राइबल कम्युनिटी जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहेगी, है ना, तो आज यहाँ पर है कल वहां पर है, तो उन लोगों से लगान खेती का टैक्स वसूलने की बड़ी समस्या थी. सो व्हाट द ब्रिटिश वांट्स, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे ये ट्राइबल ग्रुप्स जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, सो ब्रिटिशर्स ये मानते थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है वो बंद होना चाहिए एंड द ट्राइबल मस्ट बिकम पीजेंट कल्टीवेटर. उन्हें क्या बनना चाहिए, पीजेंट कल्टीवेटर बनना चाहिए, ठीक. वाई, बिकॉज दे थिंक दैट settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. उनका ये मानना था कि जो settled peasants हैं, जो किसान एक जगह रह करके खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, उन्हें control करना easy है, इसके comparison में उन लोगों के जो लगातार movement करते हैं. The British also wanted a regular revenue source for the state. एक दूसरा, उन्हें खेती के जो लगान मिलता था, तो लगान क्या होगा, एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स होगा, ठीक है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया, उन आदिवासी लोगों को जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उन्हें मजबूर करना शुरू किया कि वे लोग एक जगह पर रह करके एग्रीकल्चर करें, एक जगह पर रह करके कल्टीवेशन करें, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है. सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट. अब
इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया. नाउ आस्क योर क्वेश्चन. नो सर. हु इज देयर? प्लीज टेल योर नेम बेटा. सर अगर अगर योर नेम फर्स्ट. टेल योर नेम फर्स्ट. सर आस्मी. हाँ आस्मी मंथावर. यस नाउ आस्क योर क्वेश्चन. सर बाय चांस अगर उनकी जो लैंड थी वो अगर चली जाए तो अगर उनके उन्हें कोई दूसरी लैंड लेनी हो तो जा सकते हैं दूसरी जगह. देखिए क्या होता है कि दे वुड लाइक टू सेल देयर लैंड एंड दे वांटेड टू सेटल एट अनदर प्लेसेस. इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है क्योंकि उस केस में जो आदिवासी कम्युनिटी है फैमिली है वो ऐसा तो नहीं कर पाएगी कि हर साल एक जगह से दूसरी जगह जाए. है ना. ठीक है तो ब्रिटिशर्स का मेन क्या था. ब्रिटिशर्स का मेन उद्देश्य ये था कि यदि सेटल्ड एग्रीकल्चर होगा तो ब्रिटिशर्स को एक पर्टिकुलर गांव में किसी गांव में कितने किसान हैं ये संख्या रखने में आसानी होगी. कि मंगी विलेज में 110 फार्मर्स हैं, हरदोना विलेज में 210 फार्मर्स हैं, ऊपरवाही में 116 फार्मर्स. अब ये हिसाब किताब यदि रहेगा तो एक सिंगल विलेज से कितना लगान कितना लैंड रेवेन्यू मिलेगा वो कैलकुलेशन करना कैसा है बड़ा इजी है. ठीक है उसी के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं अपनी इनकम उनकी जो इनकम होने वाली है उस इनकम को वो लोग क्या कर सकते हैं प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यदि फार्मर्स एक विलेज से दूसरे विलेज शिफ्टिंग करते रहे तो समस्या ये है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा अरे पिछले साल तो मंगी विलेज में 200 फार्मर्स थे है ना. अब ये कहां चले गए. अब 200 फार्मर्स पता चला गायब हो गए जंगल के न जाने किस हिस्से में जाकर के उन्होंने खेती करना शुरू किया. तो उतने डीप फॉरेस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनके अधिकारी या उनके एम्प्लॉयज उतने डीप फॉरेस्ट में तो घुस नहीं पाएंगे. तो अचानक से प्रॉब्लम आ गई कि पिछले साल इतना रेवेन्यू आया था अब ये 200 किसान कम हो गए तो 200 किसानों का रेवेन्यू कम हो गया. तो हिसाब किताब रखने में क्या होगी. हिसाब किताब रखने में परेशानी होगी ना. इसलिए क्या किया वो ये चाहते थे वो मीन्स ब्रिटिश. ब्रिटिश क्या चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो और फार्मर्स क्या करें एक जगह रह करके सेटल्ड एग्रीकल्चर करें. गॉट इट. यस सर. यस सर. Thank you now. Okay. So they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. So land settlement में उन्होंने क्या किया. Britishers ने क्या किया. They measured the land कि किसके पास कितनी जमीन है उसका measurement कर दिया. Defined the right of each individual on that land. जो लोग थे उन्हें जमीन का मालिक बनाया और जिसके पास जितनी जमीन थी उसके हिसाब से क्या रेवेन्यू डिमांड इन्हें लगान फिक्स किया कि एक एकड़ पर इतना लगान देना पड़ेगा. ठीक. नाउ सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स अदर्स टीनेंट्स. ठीक है. अब उसमें से कुछ जो पीजेंट्स थे किसान थे उनको लैंड ओनर मतलब जमीन का मालिकाना हक दे दिया कि ये इस जमीन के मालिक आज से तुम. कुछ एरियाज में दे वेर टीनेंट्स ओनली. कुछ एरियाज में किसान कैसे थे टीनेंट्स से. टीनेंट्स मतलब जमीन किसकी थी जमींदार की या जमीन की मालिक कौन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. अब आपको क्या करना है आप आइए अधिकारी के पास में जो भी वहां का तहसीलदार होता था जो भी
उसके पास जाओ, एप्लीकेशन दो, इतनी जमीन साहब इस गांव में खाली पड़ी है, मुझे खेती करने के लिए किराए पर चाहिए. Okay? Now, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. ठीक है, अब जो tenants थे, यानी जो लोग खेती किराए पर लेकर के एग्रीकल्चर करेंगे, किसानी करेंगे, they have to pay rent to the landowner. ये लोग किसको रेंट यानी जमीन का किराया लगान देंगे? लैंड ओनर को. और लैंड ओनर इस प्रकार के सभी लोगों से किराया इकट्ठा करके, जमीन का लगान इकट्ठा करके, और किसके पास जमा करेगा? स्टेट. स्टेट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the British efforts to settle Jhum cultivator was not very successful. British government ने ये पूरा प्रयास किया कि जो Jhum cultivators हैं, उनको क्या करें? वो settle agriculture में convert करवाएं. ठीक है? तो Jhum cultivation बंद करके और settled cultivation करवाने का पूरा प्रयास किया है. But that effort was not very successful. Britishers का वो effort कोई ज़्यादा successful नहीं हुआ. Settled plug cultivation is not easy in area where water is scarce and the soil is dry. अब वो successful क्यों नहीं हुआ? तो there are many issues. बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण settled cultivation successful नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि सेटल कल्टीवेशन उन इलाकों में करना आसान नहीं था, वेयर वाटर इज स्कैस, पानी की बहुत कमी थी, एंड सॉइल इज ड्राई, मिट्टी हमेशा सूखी रही. ठीक, इसलिए Jhum cultivators who took to plug cultivation often suffered. इसलिए वे आदिवासी किसान, वो सारे लोग जो कभी Jhum cultivation करते थे, जैसे ही उन्होंने प्लग कल्टीवेशन मतलब सेटल्ड कल्टीवेशन किया, दे ऑफन सफर्ड, उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करना पड़ी. बिकॉज देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड. तो जो आदिवासी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी Jhum कल्टीवेशन को छोड़ करके सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू किया, उनको बहुत सारी तकलीफ या समस्याएं फेस करना पड़ी. बिकॉज देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, क्योंकि सेटल्ड कल्टीवेशन में उनको उस खेती से कोई खास इनकम अर्न नहीं हुई. सो द Jhum cultivators इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब आसाम में, आसाम में जो Jhum cultivator से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले, ठीक है, उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन एक्सेप्ट नहीं किया. दे कंटिन्यू टू डू द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. आदिवासियों ने जब इतना ज्यादा विद्रोह लगातार किया, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, एंड द गवर्नमेंट हैड टू अलाउ देम, गवर्नमेंट को फिर उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए परमिशन देना पड़े. ठीक है, एक दिन मैंने आप लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक वीडियो दिखाया था. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. वो जो वीडियो था, वह जो वीडियो था, दैट वीडियो वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा. वो जो इलाका है
दैट एरिया इज व्हाट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वो जो हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वीडियो देखा था दैट वीडियो वॉज फ्रॉम दैट एरिया ओनली. ठीक है. सो इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट में फार्मर्स ग्रेजुअली स्टॉप डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन. धीरे धीरे फार्मर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना बंद कर दिया. बट इन सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम वगैरह में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के जो आदिवासी इलाके थे, इन दोस पार्ट द फार्मर्स कंटिन्यूड टू डू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. फार्मर्स जो थे वो क्या करते रहे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते. इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर. यस सर. यस सर. थैंक यू. चलिए now the next section is forest laws and their impact. ठीक है. अभी हम अगला जो section discuss करेंगे वो कौन सा करेंगे, forest laws and their impact. ठीक है. अभी what are we basically going to discuss in this section? Okay, forest laws and their impact. So in this section we'll discuss that कि Britishers introduce the laws for controlling the forest resources in India. Britishers ने हिंदुस्तान में forest resources, जंगल से मिलने वाली लकड़ी और बाकी की जो resources थे, तो उन resources को control करने के लिए British government ने क्या बनाए, laws बनाए. ठीक है. तो इस section में हम क्या पढ़ेंगे, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉज. ये जो फॉरेस्ट लॉज हैं इनका क्या इंपैक्ट हुआ, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए, तो इन लॉ के बनने से आदिवासियों की लाइफ पर क्या असर पड़ना शुरू. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. टॉपिक का मीनिंग समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. टॉपिक सर. गुड. टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे ये बात समझ. चलिए. सो लेट अस कंटिन्यू. सो द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. ठीक है. लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल यानी जो ट्राइबल लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड थी, फॉरेस्ट से. व्हाट डज इट मींस कि आदिवासी लोगों का पूरा जीवन किस पर डिपेंड करता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है. ठीक है. द लाइफ ऑफ द आदिवासी पीपल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट. आदिवासियों का पूरा जीवन किस पर निर्भर करेगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर निर्भर करेगा. ओके. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव. इसलिए जैसे ही फॉरेस्ट लॉज में कोई चेंजेस आए, जैसे ही फॉरेस्ट लॉज में क्या हुए, चेंजेस हुए, इट हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ. ट्राइबल कम्युनिटी के जीवन पर उसका सीधा सीधा असर होना शुरू हुआ. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी. ठीक है. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कानून बनाया. ब्रिटिशर्स का जो लॉ बनाया था उस लॉ से What happens? They had their control over all forests. जितना भी जंगल का एरिया था, जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज ए
स्टेट प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, ठीक है। और सरकारी संपत्ति घोषित करके उस पूरे फॉरेस्ट रिसोर्सेज में क्या हो गया, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। यहां तक बात आई समय? नाउ सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, ठीक। अब जो ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया था, जंगल था, काफी बड़ा था, पूरे हिंदुस्तान में जंगल फैला हुआ, तो अलग अलग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में अवेलेबल टिम्बर, टिम्बर मतलब पेड़ की लकड़ी, तो अलग अलग जंगलों में लकड़ी जो थी, जो टिम्बर था, वो अलग अलग क्वालिटी का था। अब किस, उसका मतलब क्या है, ये जो कुछ फॉरेस्ट है वहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधे ही नहीं थे कि जिनकी लकड़ियां काट करके ब्रिटिशर्स क्या कर सके, बाजार में बेच सके, ठीक है। तो वो जो फॉरेस्ट था उसको बेकार फॉरेस्ट माना जाता है, परंतु बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के टिम्बर थे, इस प्रकार की लकड़ियां थी, जहां क्या था, फॉरेस्ट जो था वो बड़ा कीमती था, ठीक है। Got it? So what they did, ठीक है, उसको क्या बनाया गया, रिजर्व फॉरेस्ट बनाया। So some forests were classified as reserved forests because they produced timber which the British wanted. Okay? In these forests, people were not allowed to move freely. So, जहां पर बहुत अच्छी मजबूत लकड़ियां मिलती थी फर्नीचर पर्पस से, रेलवे ट्रैक के लिए, है ना, कुल मिलाकर काम का जो जंगल था जहां से बहुत वैल्यूएबल ट्री मिलेगा, उसको उन्होंने क्या किया, दे क्लासिफाइड इट एज रिजर्व फॉरेस्ट, उस जंगल को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट और हंट एनिमल। जंगल का ये जो इलाका था, इस इलाके में पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, लोगों को उस रिजर्व फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। एंड इन रिजर्व फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू डू झूम कल्टीवेशन, रिजर्व फॉरेस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कल्टीवेशन करने की परमिशन नहीं थी। ट्राइबल पीपल वेर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एनी टाइप ऑफ फ्रूट फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट एंड हंटिंग ऑफ एनिमल वॉज ऑल्सो नॉट, ठीक है। नाउ जब इतनी सारी पाबंदियां, इतनी सारी रोक किसमें लग गई, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में लग गई। नाउ द झूम कल्टीवेटर्स कैन नॉट सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, तो ऐसी कंडीशन में, इस सिचुएशन में झूम कल्टीवेटर्स क्या नहीं कर सकते थे, सर्वाइव नहीं कर सकते थे। जब अंदर आपको परमिशन ही नहीं है, कल्टीवेशन आप कर नहीं सकते, फ्रूट कलेक्शन कर नहीं सकते, हंटिंग नहीं होगा, सो मैनी वेयर देयरफॉर फोर्स टू मूव इन अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। फॉरेस्ट लॉज बनने के बाद बहुत सारे जो आदिवासी हैं उन्हें अपना जंगल का एरिया छोड़ करके दूसरे एरिया में जाना पड़ा इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, ठीक। यहां तक बात आई समझ में? यस सर, यस सर। बट इसका एक उल्टा असर भी हो गया। उल्टा असर क्या हुआ कि वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस ए प्रॉब्लम, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उस रिजर्व फॉरेस्ट में आदिवासियों को ना तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने की परमिशन थी, ना फ्रूट कलेक्शन की, तो भाई जब कुछ कर ही नहीं सकते तो जंगल छोड़ के भागना पड़ेगा। तो जब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से आदिवासियों ने जंगल छोड़ करके भागना शुरू किया, तो किसके लिए समस्या बढ़ गई,
ब्रिटिशर्स के लिए समस्या बड़ी. ओके सो व्हेन द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, नाउ द ब्रिटिश फेस्ड अ प्रॉब्लम. अब समस्या किसको हुई? ब्रिटिश को. समस्या क्या थी कि फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम आ गया कि फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर कहां से मिलेगा? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे कहां से मजदूर मिलेंगे ताकि वो मजदूर क्या कर सकें? पेड़ काटें. किसके लिए? रेलवे स्लीपर्स के लिए. भाई जब इंसान जंगल में रहेगा ही नहीं तो उस जमाने में मशीन तो थी नहीं, तो ब्रिटिशर्स को तो क्या था? फॉरेस्ट से पेड़ काटने की जरूरत थी. वो फॉरेस्ट डीफॉरेस्ट से वो पेड़ कहां पर? जंगल के बाहर लाएंगे. ये सब समस्याओं के लिए, इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? इंसान तो चाहिए. ठीक है, सो द कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद ए सॉल्यूशन. इस समस्या का उन्होंने क्या किया? एक हल निकाला. व्हाट सॉल्यूशन डिड दे फाउंड? ओके, दैट विल डिस्कस इन टुमारो सेशन बिकॉज डियर स्टूडेंट्स इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके, it is 9:32, so our time is over. So yes, we are winding up. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Thank you.